नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन रेलवे स्टेशनों की बात करने जा रहे हैं जहां पर शाम ढलने के बाद लोग जाने से डरते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की चर्चा होते ही लोगों को पुराने किलों और इमारतों के बारे में ख्याल आता है, लेकिन यहां हम आपको भारत के कुछ रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों का कहना है कि यहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया जा सकता है। हालांकि विज्ञान इन बातों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन लोगों के मन में इन्हें लेकर कई तरह के ख्याल आते हैं। नंबर 1, बडोग स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ बडोग हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। यह टूरिस्ट के बीच यहाँ फेमस नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर है, किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। लेकिन बडोग रेलवे स्टेशन और सुरंग की कहानी बेहद डरावनी है। कहा जाता है कि बडोग स्टेशन के बगल में स्थित टनल नंबर 33 के पास अक्सर ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी जाती है। नंबर 2, बैगुनकोडो रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बैगुनकोडो रेलवे स्टेशन भूतिया कहानियों के कारण 42 साल तक बंद था। साल 1960 में खुले इस स्टेशन पर शाम ढलने के बाद लोग आज भी जाने से डरते हैं। इस स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां के स्टेशन मास्टर ने एक रात पटरियों के बीच एक लड़की के साये को देखा था। इसके कुछ दिनों बाद से स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से यह स्टेशन बंद था और फिर साल 2009 में खुला है। नंबर 3, चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के इस स्टेशन को लेकर विभूतिया कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन पर आरपीएफ और टीटीई ने मिलकर सीआरपीएफ के एक जवान की खूब पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद से उस सीआरपीएफ जवान की आत्मा न्याय के लिए आज भी स्टेशन पर भटकती है। नंबर 4, द्वारिका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के बारे में लोगों का दावा है कि यहां रात को अक्सर भी गाड़ियां के पीछे एक महिला का साया दिखाई देता है। यही वजह है कि लोग देर रात इस मेट्रो स्टेशन पर जाने से बचते हैं। नंबर 5, लुधियाना स्टेशन, पंजाब। लुधियाना स्टेशन के एक काउंटर के बारे में लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस किया है। दावा किया जाता है कि यहां के रिजर्वेशन काउंटर पर एक सुभाष नाम का व्यक्ति बैठता था। वह काम से बेइंतहा प्यार करता था, इसी वजह से उसकी मौत के बाद उस कमरे में भी जो काम करने के लिए गया उसके तमाम परेशानियों से जूझना पड़ा।